हेलो दोस्तों, मैं आकाश शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विराट नगरी कहे जाने वाले शहडोल जिला के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व में बसा शहडोल जिला मुख्यतः एक दर्शनीय पहाड़ी जिला है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक 110 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 170 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा शहडोल जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, शहडोल के पूर्व में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से, पश्चिम में उमरिया जिले से, उत्तर में सतना और सीधी जिले से और दक्षिण में अनूपपुर जिले से घिरे हुए शहडोल जिले का कुल क्षेत्रफल 6205 वर्ग किलोमीटर का है, जिसके अंतर्गत 2140.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कृषि और 1970.71 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बात अगर प्रशासनिक संरचना की करें तो मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले के अंतर्गत 6 तहसील व्यवहारी, जयसिंह नगर, सुहागपुर, लोहपारू, बुढ़ा और जैतपुर तथा 5 ब्लॉक 391 ग्राम पंचायत और 886 ग्राम आते हैं। दोस्तों, शहडोल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय शहडोल शहर में है। बात अगर मैन पावर की करें तो शहडोल जिले का टोटल पॉपुलेशन 10,66,063 है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 5,40,021 है और फीमेल पॉपुलेशन 5,26,042 है। वहीं इस जिले का लिंगानुपात 974 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जबकि जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, धार्मिक परिदृश्य से देखा जाए तो शहडोल जिले में हिंदुओं की संख्या 93.53% और मुस्लिमों की संख्या 3.98% है तथा अन्य धर्म के 1.82% के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, शहडोल जिला साक्षरता के मामले में धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। शहडोल जिले की कुल साक्षरता दर 66.66% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 56.99% है। दोस्तों, शहडोल जिले में पढ़ने हेतु कई लाजवाब शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें शहडोल के टॉप स्कूलों में गुड शेफर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहडोल, माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल शहडोल, एसटी एलोयसियस स्कूल शहडोल, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल शहडोल, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय शहडोल, सतगुरु पब्लिक स्कूल, भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल आदि प्रमुख है। वहीं कॉलेजों में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शहडोल, विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल, श्रेया ग्लोबल एजुकेशन शहडोल, पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज आदि यहां के प्रमुख कॉलेज हैं। दोस्तों, वही बात करें स्वास्थ्य सेवाएं की, शहडोल जिला में कई सारे हॉस्पिटल है, जहां टॉप हॉस्पिटल में मेवाड़ अस्पताल शहडोल, जिला अस्पताल शहडोल, एक्शन अस्पताल शहडोल, श्री श्याम केयर हॉस्पिटल शहडोल, आनंद वर्धन हॉस्पिटल शहडोल, आदित्य अस्पताल शहडोल, विराटेश्वर अस्पताल शहडोल आदि यहां के प्रमुख हॉस्पिटल है, जहां इलाज कराने हेतु आसपास के क्षेत्रों से यहां आते हैं। दोस्तों, शहडोल जिले तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां सड़क मार्ग में शहडोल से आसपास के शहरों जैसे कि कटनी, सागर और भोपाल के लिए रेगुलर बस सेवा है, तो वहीं रेल मार्ग में शहडोल रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात अगर वायु मार्ग की करें तो यहां का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट है, जो कि यहां से 143 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, शहडोल में कई धार्मिक स्थल है, जहां आप घूमने व मन की शांति के लिए जा सकते हैं, जिनमें विराट मंदिर सुहागपुर शहडोल, बाणसागर डैम शहडोल, माँ कंकाली देवी मंदिर शहडोल, पंचमठा मंदिर सिंहपुर शहडोल, लखबरिया गुफाओं और मंदिर, जिला पुरातत्व संग्रहालय शहडोल आदि है। दोस्तों, यूं तो शहडोल जिले में आपस में बोलचाल के लिए कई लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, बूंदी, सिंधी मुख्य रूप शामिल है। दोस्तों, बाद अगर रोजगार और संबंधित तथ्यों की करें तो शहडोल जिले में वर्ष 2017-18 के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर 45.0% है। वहीं इस जिले में आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र से है और प्रति व्यक्ति आय 82,745 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। दोस्तों, यह चिंता का विषय यह भी है कि
कृषि के क्षेत्र में जिला बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जिले के आदिवासी पुरानी पारंपरिक विधि से खेती करना पसंद करते हैं। खेतों का आकार बहुत छोटा है और मुख्यतः आदिवासी सीमांत किसान हैं। खेतों से मिलने वाले उत्पादों की वार्षिक पैदावार उनके घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, इसलिए वर्ष के शेष भाग के लिए वे दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए विवश रहते हैं। महुआ लकड़ी और बी जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए आय का स्रोत है। दोस्तों, शहडोल अपने खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है। जिले में पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, फायर क्ले और संगमरमर मुख्य रूप से सम्मिलित है। दोस्तों, सुहागपुर कोयला क्षेत्र राज्य के राजस्व में एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। शहडोल के आदिवासियों की एक सरल जीवन शैली है। उनके घर मिट्टी, बांस की छड़े, थान, कुआल और स्थानीय टायरों से बने रहते हैं। दोस्तों, एक समस्या जो इस जिले को आगे बढ़ने नहीं दे रही है वह है इस जिले का क्राइम रेट। शहडोल जिले में अपराध दर वर्ष 2018 के लिए 370.43 है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो दोस्तों, शहडोल जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।